हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रताप सिंह। जैसा कि आज 1 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है रेलवे ग्रुप डी का, तो मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। उनसे मैं पूछूंगा कैसा एग्जाम हुआ, कठिन क्वेश्चन आए थे या सिंपल क्वेश्चन आए थे, जो क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे उसी टाइप के क्वेश्चन थे या थोड़ा लेवल अलग था, रीजनिंग में कौन वही रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, जो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि कैसे क्वेश्चन हो रहा है। अब लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी तरीके से तैयारी कराई जा रही है, जो रेलवे ग्रुप डी के काफ़ी साइंस के मैंने टॉपिक अपलोड किए हैं, करंट के भी करने वाला हूँ, तो आप लोग वहाँ पे जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। चलो फिर देखते हैं, पहले डिस्कस करते हैं। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार, मेरे साथ आप ये बताइए आपका एग्जाम कैसा हुआ? एग्जाम बहुत अच्छा गया है, क्वेश्चन जो था वो सिंपल था, साधारण था, जिसके कारण से बहुत अच्छा हुआ एग्जाम। और क्वेश्चन और आप कितने क्वेश्चन करके आए हैं अटेम्प्ट? हम 80% क्वेश्चन जो हल करके आए हैं। अच्छा, अभी रुके रहिए, क्वेश्चन बताना। आपका नाम क्या है? अशोक कुमार। अच्छा, आप कितने क्वेश्चन करके आए हैं? लगभग 95 क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन। आपको कुछ क्वेश्चन याद हो वो बताइए, लग कुछ क्वेश्चन जो क्वेश्चन ये बताते जब लिखते हैं, जैसे कौन से क्वेश्चन था? क्वेश्चन तो दिमाग में नहीं बैठा, लेकिन ये रीजनिंग थोड़ा था। अच्छा, आप बताइए क्वेश्चन। हाँ, हम बता रहे हैं कि मैथ में तो माध्यिका निकालने के लिए आया था, उसके बाद टाइम एंड वर्क आया था, उसके बाद में आया था दशमलव भिन्न का प्लस करना और माइनस करना। अच्छा, कोई जीएस में साइंस में क्वेश्चन? जीएस में करंट ऑफ इयर्स, यानी कि 2018 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा अच्छा, इनको 2017 में भी मिला था, 2016 वाले में भी मिला था। तो आप मतलब एग्जाम दे के आए? अच्छा, तो बताइए आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हम 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 95 जी जी। और कुछ क्वेश्चन आपको याद हो बता दीजिए जी। क्वेश्चन एक था कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? अच्छा, दूसरी राजधानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या था? और आई एक फिल्म फेयर से 2 पुरस्कार थे। अच्छा, एक जो होता है मंगेशकर पुरस्कार, उसी टाइप का एक क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा। और एक करंट का जो इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? अच्छा, किस किस मतलब इंडेक्स, मतलब कई तरह की चीजें होती ना, मतलब पीस इंडेक्स या मतलब कौन सा? सीएस इंडेक्स था कोई। अच्छा, सीएस। अच्छा, कुछ करके था, सवाल एक साथ है। अच्छा, हम आए हैं। और मैथ का एक आध टाइम एंड वर्क का सवाल था, वो थोड़ा फास्ट था। अच्छा अच्छा। आप भी एग्जाम दे गए? आप एग्जाम दे गए? अच्छा, आप कितने क्वेश्चन करके आए? मैं 80 क्वेश्चन करके आया। अच्छा, आपको कुछ याद क्वेश्चन याद हो मतलब बता दें? बायोलॉजी में आया था कि कौन सा मतलब अलैंगिक जन्म, मतलब कौन सा अलैंगिक जन्म में आया था, जो कि अच्छा उसमें दो लिंग या अच्छा, दो लिंग अच्छा, काम अच्छा, करें तो हाँ। इस प्रकार का कुछ एग्जाम्पल था, तो अलैंगिक जन्म में जनन में हमेशा एक ही मतलब लिंग मतलब उसमें भाग लेता है। और कोई क्वेश्चन दूसरे मतलब कुछ और याद हो आपको? और मैथ से बहुत सारा क्वेश्चन था। अच्छा, मैथ से कैसा लेवल था? मैथ पाइप वाला था। अच्छा, ठीक है, उसके बाद टाइम एंड वर्क था, ठीक है, उसके बाद से और परसेंटेज क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज क्या था, इस सब का था। कुछ आप लोग याद आ रहे हो क्वेश्चंस वो मतलब लिखा दीजिए। लाभ हानि। अच्छा अच्छा, लाभ हानि प्रदेश है। और मतलब कुछ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सिंपल 2 आया था क्वेश्चन। फिर उसके बाद में आया था मैथ में प्लस और माइनस का भिन्न मान। अच्छा अच्छा। उसके बाद में होल स्क्वायर भी आया था। अच्छा, करने के लिए माइनस से प्लस में। अच्छा अच्छा। कोई हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन ऐसे हो, साइंस से वगैरह से कुछ क्वेश्चन? हाँ, साइंस से आया था आपका आपतित किरण और परावर्तित किरण। अच्छा, आपतित किरण कि कौन, माने आपतित किरण कौन 80 डिग्री का बनाती है, तो परावर्तित जो है वह कितने डिग्री के कोण बनेगा, तो वो भी बनेगा, उतना ही बनेगा। और उसी तरह से और जूल, उसी की तरह जूल से पूछा था फिजिक्स से, 10th क्लास के जूल से पूछा था, उसमें मैथ बनाने के लिए पूछा था जूल से। तो वैसे आपको कैसा लगा पेपर, किस टाइप का था, जो आप अभी तक एनालाइज किए जा रहे हैं क्वेश्चंस उस टाइप का था? क्यों देखिए, ऐसा क्वेश्चन तो देखने को मिलता है कि बहुत सारे व्यक्ति हैं कि पूछते हैं कि ये इतना हार्ड है, इतना हार्ड है। हार्ड तो नहीं, परंतु 15-20% तो हार्ड रहेंगे क्वेश्चन, उतना 15-20% तो उतना रहता ही है। देखिए, सिविल का मैंने तो यूट्यूब चैनल बहुत देखा है, परंतु उसमें से भी बहुत क्वेश्चन जो है टॉप टॉप क्वेश्चन जो बहुत आया है। अच्छा, वैसे आपको मेरे चैनल से क्या फायदा कुछ मिला? फायदा मिला, इससे हम लोग का सीख मिला, उस अच्छा, उस चैनल से हम लोग को अच्छा, सीख मिला कि इस टाइप से क्वेश्चन अच्छा, हल किया जाता अच्छा, है अच्छा, और इस टाइप से क्वेश्चन ग्रुप डी में रेलवे में पूछा जाता है। तो हम आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि ये चैनल जो है नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और देखिए आने वाली अगले जो एग्जाम है उस एग्जाम की तैयारी इसी के माध्यम से। दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कैसे क्वेश्चन आए, लेवल वही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है लेवल में, जो जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन हटके तो आते ही हैं वैसे ही।
तो देखा होगा आपने, काफी आपको इससे फायदा भी मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी जो ये वीडियो है ये तो आपको 2 अक्टूबर को मिलेगा, क्योंकि अभी मैं रिटर्न फॉर्म में अपलोड करूंगा वीडियो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज मैं रिटर्न फॉर्म में, कल छुट्टी रहेगी तो ये वीडियो कल मैं, यानी कि अब जब आप देख रहे हैं 2 अक्टूबर को देख रहे हैं, ये वीडियो कल का है लेकिन आज आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो आज आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।